सो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता था कि आज हमें रिडीम कोड मिलने वाला है TRS सीरीज का, क्योंकि आज जो मतलब टूर्नामेंट 25 तारीख को ऑर्गेनाइज होने वाला था वो 24 को ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, टूर्नामेंट TRS सीरीज का। तो अभी देखते हैं भाई, रिडीम कोड मिलने के लिए 200,000 लाइव वॉचिंग का टारगेट कंप्लीट होना था, तो देखते हैं TRS सीरीज का क्या हुआ। तो ये देखिए, ई स्पोर्ट में फ्री फायर की ओर से जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था भाई, वो क्लोज कर दिया गया यार। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। अब देखो, सभी का क्वेश्चन ये होगा कि भाई हमें रिडीम कोड मिलेगा भी या अब नहीं मिलेगा। तो भाई तुम लोग को बता दूं, फ्री फायर ने बोला था कि जैसे ही 200,000 का टारगेट कंप्लीट होगा, 3 सर्वर को मिला के, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तीनों सर्वर को मिला के अगर 200,000 का लाइव वॉचिंग टारगेट कंप्लीट होता है तो भाई रिडीम कोड के थ्रू क्या नाम है, ये इमोट देगी। लेकिन भाई अभी सिचुएशन क्या है कि देखो, इनके लाइव वॉचिंग में जो लाइव इनका वॉचिंग गया था, हाईएस्ट गया था 91K, यानी 91,000 गया था। और बांग्लादेश और फ्री फायर को दोनों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सर्वर को, यानी तीनों सर्वर को ऐड करें तो भाई इनका लाइव वॉचिंग का जो टारगेट गया था, मुश्किल से गया था 1,23,000 तक गया था, बहुत ज़्यादा इतना गया था। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई फ्री फायर इस टाइम हम लोग को कोई भी रिवॉर्ड देने वाला है, यानी हमको भाई कोई भी रिडीम कोड देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। 200,000 लाइव वॉचिंग का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो, अब जैसे अपडेट आता है, देखते हैं, मैं हर एक मोमेंट पे नज़र बनाए बैठा हूँ। जैसे रिडीम कोड आएगा फटाक से चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो मैंने चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी वाले प्रेस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ रिडीम कोड लाने की, ठीक है। तो मिलता हूँ भाई वीडियो में, ट्राई कर रहा हूँ बहुत।